हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2, अ गिफ्ट ऑफ चॉपल्स। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर। एक बच्ची है जो मृदु है, जिसका नाम, वो रहती थी मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, जो अपनी तापी के साथ रहती थी, जो उसकी ग्रैंड मदर मतलब दादी थी, और ताथा जो उसके दादा थे। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लली रवि एंड मीना। फिर एक दिन जो है तापी जो थी उसकी ग्रैंड मदर थी, वो मृदु को लेके गई उसकी आंट के घर, जिनका नाम था रुकुमनी, और वहाँ पर उसके कजन्स भी थे, लली रवि और मीना। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये पहले जो थी इसकी छोटी सी एक समरी टाइप की थी कि क्या है चैप्टर में आगे। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। तो जो मृदु थी वो अपनी मतलब आंट के पास विजिट करने के लिए गई थी रुकुमनी के पास, और जैसे ही वो गई तो रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला एक बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और रवि और मीना जो थे वो भागते हुए आ गए, और उन्होंने मृदु को फटाफट घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई चप्पल्स, प्रोटेस्ट मृदु। मृदु ने कहा, रुको रुको, पहले मैं अपनी चप्पल तो उतार दूँ। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और उसने अपनी चप्पलों को उतार दिया बहुत ही सफाई से। एक बड़ी सी चप्पल रखी हुई थी ब्लैक कलर की उनके पास, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर। और वो जो चप्पलें थी उनको डिस्क्राइब किया गया है, जो मृदु की चप्पल के साइड में रखी हुई थी, वो चप्पल ग्रे कलर की थी और उस पर मार्क पड़े हुए थे, निशान पड़ गए थे डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से, और आप उसमें साफ साफ देख सकते थे कि आगे की तरफ जो थे वो पंजों के निशान पड़ गए थे, टो जो था ना उसके पंजों के और एड़ी के अच्छे खासे निशान उस चप्पलों पर पड़े हुए थे। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो मार्क थे जो आगे के टोज होते हैं अंगूठे उसके, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और पतले से थे, बड़े और पतले थे। स्क्रॉनी का मतलब होता है पतले। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लिपर्स दे वर, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। और मृदु को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि वो उन पेयर्स ऑफ स्लिपर्स के बारे में, उन चप्पलों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच पाए। रवि उसको खींच ले के गया पीछे की बरान, मतलब जैसे कि पीछे का गार्डन जो होता है उसको बैकयार्ड भी बोल सकते हैं, तो बैकयार्ड में उसको खींच के ले गया मृदु को। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, तो एक जो बुश थी बिटर बेरी बुश थी वहाँ पे, उसके पास वो ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किट इन लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल। फिर वहाँ पर क्या थी, एक थोड़ी फटी हुई सी फुटबॉल पड़ी हुई थी, और जो मतलब रेत से भरी हुई थी, और उसमें फुटबॉल में एक छोटी सी बिल्ली थी, किटन थी, जो कि अपना जो मिल्क है अपने दूध को, वो जो उसको दिया गया था कोकोनट के शेल में, मतलब जैसे कोकोनट होता है जब उसमें से कोकोनट खा लेते हैं तो बाहर उसका शेल शेल बचता है ना, बाहर का उसका खोखला बचता है, तो उसमें दूध भर के उस बिल्ली को दे रखा था उन बच्चों ने। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो बताते हैं कि आज सुबह ही ये बिल्ली उनको मिली है गेट के बाहर। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, और वो म्यों म्यों कर रही थी। सेड रवि, रवि ने उसको पूरी पूरी बात बताई, मीना ने बताई ये वाली बात। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, और जो वो हैं पति हैं उनकी ग्रैंड मदर हैं, तमिल में ग्रैंड मदर को पति बोलते हैं, वो चली जाएंगी घर छोड़कर और उनके मामा के पास रहने के लिए चली जाएंगी अगर उनको पता लगा कि उनके घर में कोई बिल्ली रह रही है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम, फिर वो बच्चे बोलते हैं कि बड़े लोग और बाकी लोग भी हमसे कहते हैं कि हमें जो जानवर हैं उनके साथ काइंड होना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मगर अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, साइड रवि, और कहते हैं कि इस गंदी सी चीज़ को हमारे पास मत लाओ, ऐसा वो जानवरों को देख करके बोलते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कि मतलब किचन में से एक दूध का ग्लास लाना, जो पाती हैं दादी माएँ उन्होंने मुझे अभी अभी देख भी लिया था कि मैं किचन से बाहर कुछ लेके जा रहा हूँ। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट।
पाती ने तो मुझे आते हुए देख लिया था यहाँ पे, तो फिर मेरे को क्या, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जो है क्या बाहर क्या लेके जा रहे हो दूध को, तो फिर वो कहता है कि मेरे को बहुत भूख लगी है, फिर वो कहती हैं कि मतलब ऐसा लुक देती हैं कि गुस्से वाला, तो फिर उसको रवि को उनके सामने ही पूरा दूध पीना पड़ता है, मगर वो थोड़ा सा बचा लेता है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, फिर वो कहती है कि उनको जो ग्लास था वो भी चाहिए, टम्बलर आप ग्लास कह सकते हैं टम्बलर को, वो भी वापस चाहिए था। फिर रवि बोलता है, पाती पाती आई विश वॉट इट माई सेल्फ, आई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर रवि ने थोड़ी सी ट्रिक खेली और पाती को बोला कि आप क्यों परेशान होती हैं, ये जो है मैं खुद ही धोकर रख दूंगा इस ग्लास को। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। फिर मैंने क्या किया, मैं फटाफट वो जो बचा हुआ दूध था उसको लेके आया, मैंने उसे कोकोनट के शेल में डाल दिया ताकि बिल्ली पी पाए उसे, और मैं फटाफट किचन में वापस किया और उस टम्बलर को ग्लास को मैंने धो करके किचन में रख दिया, इससे पहले कि दादी को पता लग जाए, कुछ मुझ पर शक हो जाए, सस्पिशियस होना मतलब शक हो जाना। हाउ नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र, फिर वो कहता है कि आप हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्र को खाना खिलाने के लिए। महेंद्रन ये कौन है, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र। फिर रवि बताता है कि जो एक छोटी सी बिल्ली है ना इसका नाम हमने महेंद्र रखा है। मृदु जो होती है वो इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो कहती है कि ये तो एक रियल का नेम है जो मतलब इंसान रखते हैं, नॉट मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई क्यूट सी बिल्ली का कोई नाम रखा जाता है, इस टाइप का तो नहीं है। फिर वो बताता है रवि कि इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नी, एमपी पोनी फॉर शॉर्ट इफ लाइक यू। फिर वो कहता है कि अगर मतलब पूरा नाम बताता है उसका कि इस बिल्ली का जो पूरा नाम हमने रखा है वो है महेंद्रन पल्लवा पोनी, और अगर तुम्हें चाहती हो उसको शॉर्ट में बोलना तो एमपी पोनी तुम इसको बोल सकती हो। फिर वो बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड है, कैट की नस्ल होता है ब्रीड का मतलब, और तुम इसका जो फर है ना वो देखो कि कैसे कि लायन का जो फर होता है, लायन मेन होता है, लायन की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन बोलते हैं, तो ये देखो इसका फर कितना अच्छा है जैसे कि लायन का मेन हो। और क्या तुमने नहीं देखा जो पल्लव किंग्स थे उनका जो एम्बलम था वो एक शेर है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इनके पल्लव किंग्स के बारे में, जो मृदु होती है वो गिगल करती है थिंकिंग आई एम जोकिंग, फिर जो मतलब मृदु होती है वो घी घी करती है ऐसा कह के कि जैसे कि कोई से जोक कर रहा हो, ये कोई झूठी बात बता रहा हो। वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर वो कहता है कि ये अब मुझे क्लियर पता लग गया है कि मृदु तुम्हें कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में। फिर वो बताता हैवंट बीन टू महेंद्रपुरम हैव यू, फिर वो कहता है कि तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई हो ना, है ना। वेल वेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ दिस थाताज थाताज थाताज, फिर वो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी कुछ बताती है। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। फिर वो कहते हैं कि मतलब ये जो कैट है ये बहुत ज़्यादा रॉयल कैट है, और जो महेंद्रन वर्मन की जो कैट हुआ करती थी उसकी ही डिसेंडेंट है ये, मतलब उन्हीं की ही पीढ़ी में आगे बढ़ती हुई आई है, वैसा उसको बताता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन, और उसको ये भी बताता है कि जो कैट है वो अगर हम साइंटिफिकली कहें तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार है किसकी, एक शेर की, और जो पल्लव का जो एम्बलम था उनका जो चिन्ह था पहचान चिन्ह वो भी एक लायन का था, वो एक शेर का था। फिर रवि जो है वो मतलब बोलता जाता है और इधर उधर घूमते हुए बिटरी बैरी बुश, बिटरी बैरी बुश मतलब करेले का या फिर कोई कड़वा जो पेड़ होता है उसकी जो बुशेज उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं उसके आसपास घूमता हुआ ये सारी बातें बताता जाता है। वेविंग अ ट्विन ट्विग अप एंड डाउन, और फिर जो उसकी टहनियाँ होती हैं वो ऊपर नीचे करता हुआ बताता जाता है, और उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक रही होती हैं। वो कहता है कि जो कैट है वो कोई और नहीं डिसेंडेंट है, इसके जो पूर्वज रहे हैं वो महाबलीपुरम की जो मेन कैट थी ना वो इसके पूर्वज रहे थे। इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और वो ये भी बताता है कि जो इजिप्ट था ना जो पुराना इजिप्ट था उसमें कैट की पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, फिर मीना और मृदु चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो देखते हैं कि ये जो रवि है उसको किस तरीके से खुद की ही आवाज़ जो है और अपनी बातें कितनी पसंद आ रही हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड।
हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, नो गॉड इज बेस्टेड या दैट्स। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो है ना कैट है ना ये डिसेंडेंट है, मतलब इसके जो पूर्वज रहे हैं वो इजिप्ट की वो वाले कैट रहे हैं जिसको गॉड मानते थे। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश डिस्ट्रिक्ट एट महेंद्र एमपी पुन्नई हेयर। फिर वो कहता है और ये जो कैट है ये इजिप्ट की भी डिसेंडेंट है, और एक जो कैट थी ना वो चुपके से महेंद्र वर्मन जो थे उनके शिप में आ गई थी, और फिर ये वहाँ की जो ऋषि कैट थी वो भी इसी की डिसेंडेंट है। मतलब उसने पूरी स्टोरी बता दी कि किस तरीके से ये जो कैट है इसके जो पूर्वज रहे थे वो इजिप्ट से लेकर इंडिया के काफ़ी बड़े जो साम्राज्य था महेंद्र वर्मन का उसके डिसेंडेंट ये कैट है। वो ई के ही श्रेक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी इन बातों से। महेंद्र लुकड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और फिर जो वो थी कैट थी जिसका नाम महेंद्रन था, वो जो अपने जो क्लॉज होते हैं अपने पंजे होते हैं वो कोकोनट की शेल पे घिस रही होती है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ई के वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। फिर विंडो से भी क्या है कोई एक आवाज़ आ रही होती है वो जो भी बहुत अजीब होती है। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वर्ड स्टार्टल एम पी पुन्ने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। फिर क्या होता है जो अजीब सी साउंड आ रही होती है खिड़की के पास से मृदु को भी मतलब अजीब सी लगती है वो, और जो कैट होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है उस साउंड की वजह से। हियर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड करीड टूवर्ड्स अ बेम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और फिर क्या होती है वो घबरा कर थोड़ी सी कैट आगे की तरफ को कूद जाती है चिलीज पर जो वहाँ पर सुखाने के लिए रखी गई थी। ट्राई टू हाइड बी नीड इट ही ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्यू म्यू ही हाउल्ड मिजरेबली। और फिर उस आवाज़ की वजह से वो डर जाती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है जो वहाँ पर मिर्चियाँ सूखी हुई थी उनके नीचे। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन वर्स दैट नॉइज सेट मी दो। फिर जो क्रीचिंग अजीब सी खराब सी आवाज़ जो थी वो मतलब आई जा रही थी आई जा रही थी। फिर मैं तो पूछती है कि ये क्या है, फिर रवि बताता है कि वो लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है, और वो कहता है कि वो कभी भी इसको नहीं सीख पाएगी, म्यूजिक मास्टर जो हैं वो उसको सिखाए जा रहे हैं मगर जो ये लल्ली है ये हमेशा ऑफ टैक्ट रहती है और इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये हमेशा खराब ही बजाती है। तो ये हमारा इसका एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।